बकल कैविटी हो गया उसके बाद सारी चीजें हो गया तो अब हम लोगों ने चूंकि बकल कैविटी से यहाँ से स्टार्ट करके सारे चीजों को आ, सीरियल वाइज देखते हुए चले तो अगर आप सारे लेक्चर को एक साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कुछ चीजें एक से दूसरे क्लास में हो जाती है ट्रांसफर या टाइम की कमी की वजह से हमें अगले दिन उसको बताना पड़ता है बट आप अगर एक साथ देखेंगे तो सारी चीजें हैं ईसो अगर देख लिया था जो कि हम लोगों ने थोड़े पोर्शन में देखा था और ये जो वन सेकेंड हम इसको क्लियर कर दे रहे ये वाला जो पोर्सन है यहां पे कहीं पे हम बता रहे थे डायफ्राम होता है ठीक है ये होता है डायफ्राम इसी के जस्ट नीचे हमारा लिवर था वहीं पे स्टमक है लोकेटेड यहाँ पे जो हम लोग पीछे के साइड लाइट येलो कलर की देख नहीं पा रहे पे ही कहीं पे ड्यूडनम होगी ड्यूडनम के पीछे यहाँ पे पेंक्रियाज है यहाँ पे लिखा भी है पेंथ्रियाज ग्रीन कलर से और यहीं पे पेंक्रियाज के ऊपर स्प्लीन होती है तो ये इसमें क्लियरली नहीं हम लोगों ने अलग अलग छोटे छोटे डायग्राम्स को पार्ट में बांट के देखा है सारी चीजों को आज हम लोगों का टॉपिक है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन एंड लार्ज ठीक है तो ये वाला डायग्राम चूंकि हम लोग का बेसिक चल ही रहा है स्टार्टिंग से एनसीआर में भी सबसे पहले यही दे रखा हर बुक में जहां डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ये डायग्राम से तो आपको रूबरू होना ही पड़ता है ठीक है तो अब हम ये समझ के चल रहे हैं ये वाला डायग्राम आपको पता है है ना लोकेशन के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब दूसरा डायग्राम इसमें देखेंगे आपके लिए जो कि इंटेस्टाइन के लिए समझना है आपको देखिए इसमें सिर्फ हमने इंटेस्टाइनल पोर्शन देखा है अब यहां पे क्लियर करना है एक चीज और कि इंटरस्टाइन जो कि नाम को सुन के लगता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन अब छोटी आंत या स्मॉल इंटरस्टाइन नाम से लगता है कि क्या होगा ये छोटी रही होगी है ना लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाता है इनको लेंथ के बेस पे नाम ही नहीं दिया गया है ये नाम दिया गया इनकी इनकी विथ के अकॉर्डिंग यानी कितनी मोटाई है थिकनेस कितनी है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है लंबाई में और लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ डेढ़ देखो ये इसकी लेंथ होती है छ से सात मीटर और अभी जस्ट हम स्मॉल इंटेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे वो होगा सिर्फ डेढ़ मीटर बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया पहले ही आपका ये कॉन्सेप्ट नाम से गड़बड़ आ गया दूसरी चीज आपको समझनी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने पार्ट में बटी हुई है तो इस डायग्राम को हम छोटा कर दे रहे हैं जिससे आप चीजें समझ पाएंगे देखिए यहां पे इसका दूसरी चीज समझ लो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स फर्स्ट ड्यूडेनम ठीक है सेकंड वाला हो गया अब यहां पे एलियम ये नाम आप सभी जानते होंगे ड्यूडनम जेजनम एंड एलियम आपको यहां पे कंफ्यूजन एक चीज का रहेगा कि ड्यूडम जो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन भी है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका स्मॉलेस्ट भी है पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ये जो जेजुनम है ये मीडियम है और ये लार्जेस्ट पार्ट है दूसरी बात ड्यूडनम के बारे में आप यहीं पे नोट कर लीजिए ये वाला पेन यूज कर रहे हैं ड्यूडनम ये सिर्फ लगभग पच्चीस सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी ये ढाई मीटर का है और जो इलियम है वो साढ़े तीन मीटर की है जब तो इसको पूरा देखें तो एक तरीके से छह से सात मीटर की लेंथ हो जाती है ये हो साढ़े तीन मीटर की लेंथ के बेस पे बांट लिया अब इसका देखिए ड्यूडनम जो होता है इसका सेब भी इंपॉर्टेंट है सी या यू सेब इसको कहा जाता है सी या यू सेब इसका सेब जहां जहां पे हमको हम लोगों ने लिवर में सेब पढ़ा था स्टमक में सेब जे सेब बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पे भी इसका सी और यू सेब इंपॉर्टेंट है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है क्वाइल्ड है और इसका जो मतलब इसका जो जजनम नाम दिया गया इसका मीनिंग होता है एम्पटी

ये वाला भी कंफ्यूजन दूर हो गया तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक एंट्रो हो गया दूसरा इसके बारे में और जान लेते हैं जो ये है, इसको अगर बेसिकली देखें तो ये बिल्कुल मेजर पोर्शन है डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन का मेजर पोर्शन ऑफ मेजर साइट या मेजर पोर्शन डायजेशन एज वेल एज एब्ज ऑप्शन लेकिन अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको यहीं पर हम क्लियर कर दे रहे हैं अगर आपसे पूछे मेजर साइट डाइजेशन की मेजर साइट ऑफ डाइजेशन ठीक है एक दूसरा ही क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है मेजर साइट ऑफ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉपन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना अगर कोई इतना ही क्वेश्चन पूछ के रुक जा रहा है ये देखो इस बार इंटरेस्ट इज द कॉमन आंसर फॉर बोथ अगर दोनों चीजें पूछें तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर रहेगा लेकिन अब जरूरी तो नहीं इतना ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए किसी अच्छे एग्जाम में हम तो सारे एग्जाम्स को लेकर चल रहे हैं लगभग तो स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर लेके आप नहीं निकल सकते तो आपका आंसर अगर पूछ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पोर्सन विद पोर्सन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देन आपको यहाँ पे दो आंसर क्लियर करने पड़ेंगे अगर सिर्फ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन पूछे तो आंसर इज ड्यूडन और मेजर साइड ऑफ डाइजेशन एज वेल एज पूछे तो आंसर इज इलियम क्लियर हो गया ये दो आंसर रहेंगे आपके दूसरी चीज आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमें पता है हम लोगों ने जब स्टमक पढ़ा था तब भी बिलाईस की बात की थी जिसमें गैस्ट्रिक रोगी थे और बहुत सारी चीज थी गैस्ट्रिक पिट थी उसमें गैस्ट्रिक पिट कुछ ग्लैंड में मोडिफाई हो जा रही थी जिसमें हमने म्यूकस ग्लैंड जैमोजन सेल पेराइटल सेल एंडोक्राइन सेल ये सारी चीजें पढ़ रखी है अब हम लोग इंटरनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो विलाईस के बारे में पढ़ लेते हैं जो इपीथीलियम होती है हम लोगों ने मेजर साइड के बारे में पढ़ लिया ना कि मेजर साइड डाइजेशन की स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बाद इसमें ये पता चल गया कि लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है इलियम है स्मॉलेस्ट पोर्शन हमारा ड्यूडेनम था प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन का यही है 90% परसेंट भी यही हुआ जा रहा है सारी चीजें हमको इसकी बेसिक वाली पता चल गई है क्लियर अब आपको इपिथिलियम में कुछ फोर्ट्स दिखाई देते हैं या विलाइज दिखाई अभी फोर्ट्स नहीं पहले विलाइज पढ़ते हैं इपिथिलियम कॉम्स विलाई ये विलाइज बना रहे हैं अब विलाइज बना रहे हैं तो ये कई तरीके के विलाइज बना रहे हैं एक विलाई होते हैं ड्यूडनम पोर्शन में जेजुनम और इलियम तो जो ड्यूडनम वाले पोर्शन में जो विलाईज होते हैं वो बनाते हैं नॉर्मली कैसे वो होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कुछ ठीक है जो जेजुनम होता है उसमें कैसे होते हैं टंग लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल अगर टंग को ऐसे करके देखें तो इस तरीके का सेब बनाएंगे और जो इलियम वाला पोर्शन है उसमें क्लब लाइक -like स्ट्रक्चर इस तरीके से या इसको अगर हम लोग देखें तो मशरूम वाले पड़ चुके हैं वो मशरूम जैसा ही कुछ कुछ सेब बनाते हैं ठीक है थीके? ये तीन तरीके के विलाइज हो गए विलायज मतलब एक तरीके से उभार है ये हमारे इंटेस्टाइनल पोर्शन में जो कि ड्यूडनम जेजुनम और इलियम में फॉर्म हो रहे हैं अब ये समझेंगे जो इपिथिलियम है जो कि विलाइज बना रही इन विलाइज के बीच की ही जो इपिथिलियम है वो इनवेजिनेट भी होती है ये तो ये तो इनवेजिनेशन नहीं है ये तो एक्सटेंशंस है अब इनवेजिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बि, बिला इपिथिलियम बिटवीन टू बिलाई एपिथेलियम बिटवीन टू विलाई यानी दो विलाईज के बीच की जो एपिथेलियम होती है वो इन्वेजिनेट हो जाती है म्यूकोसा रीनम इनवेजिनेट्स है ये इन्वेजिनेट्स इन म्यूकोसा रीनम अब म्यूकोसा में भी हम लोगों ने तीन पढ़े थे रीजन याद होंगे जैसे कि एक हम लोगों ने एपिथेलियम अलग पढ़ा था लेमिना प्रोप्रिया अलग पढ़ा था और विसरल सॉरी जो हमारा तीसरा जो आउटर मोस्ट था वो कौन सा था देखिए सबसे पहले मस्कुलेरिस, वो, सिरोसा, सम, मस्कुलेरिस और म्यूकोसा ये तो हम लोगों ने चार लेयर्स पढ़ी थी अब जो म्यूकोसा रीजन था उसमें हम लोगों ने तीन लेयर्स फिर पढ़ी थी मस्कुलेरिस म्यूकोसा फिर उसके बाद हम लोगों ने लेमाइना प्रोप्रिया देन इपिथिलियम ठीक है तो ये तीनों हो गई तो इसमें जो कौन सा पोर्शन है लेमाइना प्रोप्रिया

और ये तीन पार्ट में सबसे बाहर थी मस्कुलरिस म्यूकोसा मस्कुलरिस म्यूकोसा फिर थी हमारी लेमाइना प्रोप्रिया जो भी इन बीच वाली पढ़ रहे हैं और अंदर थी ठीक है ये ये हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्या करी इन्वेजिनेट्सो के दो तरीके के फोल्ड बनाती है दो तरीके के फोल्ड बनाती है पहला और दूसरा पहले कौन से हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर को पहला पहला वाला इन्वेजिनेशन है क्रिप्ट ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर को हमने ठीक है क्रिप्ट ऑफ लिबर को हमने और दूसरे है फोल्ड ऑफ कर क्रीम अब यहां पे भी थोड़ा सा इसमें ध्यान से पढ़िएगा हम लोग समझते चल रहे हैं हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इस के तीन पार्ट होते हैं जो कि सबके सब, सब वे, वेल नोन है अच्छे से सारे नाम उसके बाद उनकी लेंथ वाइज उनको पढ़ लिया फिर लेंथ वाइज पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि उसमें कुछ उभार होते हैं विलाई जो उनकी बीच यानी एक विलाई से दूसरे विलाई के बीच की जो जगह होती है वो इनवेजनेट्स हो कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें से पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा क्रिप्टाफ्लेवर पहने ये म्यूकोसल रीजन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग ब्रूनर्थ ग्रेड पढ़ेंगे वो कहाँ पर रखे सब सारी जन में तो क्रिप्ट ऑफ को कहने हैं जो कि हम लोगों को अभी पढ़ना है क्योंकि ये ग्लैंड भी बनाएगी आगे चल के और जो फोल्ड ऑफ कर्करिंग है इसके तीन नाम हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग पहले आप इसका पहले, फोल्ड ऑफ करकरिंग नाम लिख लीजिए दूसरा इसका है प्लीका सरकुलेरिस अब यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन है यहाँ पढ़ रहे हैं पिका पिका एक पढ़ेंगे पिका ठीक है प्लीका सेमिल्यूरेरिस हमको आई वाले पोर्शन में पढ़ना है और प्लीका सर्कुलेरिस हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं जो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पाया जा रहा है ठीक है पिका सर्कुलेरिस हो गया फोल्ड ऑफ करकर हो गया वॉलवेली कनिवेंटिस हो गया ये तीनों नाम एक ही के हैं क्या हो गया फोल्ड ऑफ कर्किंग प्लीका सर्कुलरिस कन्वेंटिस ठीक है अब आपको दोनों को थोड़ा डिटेल में लेकर चलना है तो जो प्लीका सर्कुलरिस है नहीं सॉरी पहले पढ़ते हैं फोल्ड ऑफ कर्किंग के बारे में तो जो सॉरी क्रिप्ट ऑफ लिवर को होने जो है क्रिप्ट ऑफ लिवर को होने इसके बारे में एक चीज समझ लो ये एक तरीके के सिंपल इन्वेजिनेशन हैं सिंपल इन्वेजिनेशन ये क्या है इपिथिलियम जो इन्वेजिनेट हो रही थी वो सिंपल इन्वेजिनेट हो रही है तो आपको कह रहा है क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन अब क्रिप्ट एक चीज और ध्यान करनी है कि इनका एक प्राइमरी एक तो और आप ही रहे हैं रीजन क्या होगा

पहली म्यूकस सिक्रीटिंग सेल और ये क्या करती हैं म्यूकस सिक्रिएट करती हैं म्यूकस सिक्रिएट कर रही है ठीक है दूसरी है इंटेरोसाइड्स इंटेरोसाइड्स ये सेल क्या कर रही हैं सिक्रीट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रेशन कर रही हैं। तीसरी है जाइमोजन सेल जाइमोजन सेल सेल जो होती है उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं पेनेट 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 सेल -E पेनेट सेल सेल्स पाई पाई जाती हैं हैं जा रही है। देखो आपने एक पढ़ ली क्या हो गया म्यूकस सीक्रेटिंग सेल म्यूकस सीक्रेट कर रही है म्यूकस जहां भी है लुब्रिकेशन का, का काम कर रहा है दूसरी पड़ी एंटोरोसाइड तीसरी पड़ी जाइमोजन जिसमें जो कि एंजाइम सीक्रेट करती है सीक्रेट एंजाइम्स समझ में आया और लास्ट है अर्जेंटाफिन अर्जेंटा अर्जेंटाफिन सेल अर्जेंटाफिन सेल।, अर्जेंटा सेल।, अर्जेंटा सेल क्या करती है हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है सिक्रिट्स हार्मोन्स

अब एक ही नाम लेके चलेंगे तीन तीन नाम नहीं लेंगे आपको तीनों नाम याद रखने फोल्ड ऑफ आप कन्वेंटिस या प्लीका सर्कुलरियस ठीक है ये कहते थे स्पाइरल और सर्कुलर इन्वेजिनेशन स्पाइरल या सर्कुलर इन्वेजिनेशन हैं लेकिन एक चीज और है कि इनमें कोई भी ग्लैंड का मोडिफिकेशन नहीं है वो क्या थे थे तो सिंपल इन्वेजिनेशन लेकिन ये सरफेस एरिया बढ़ाने के साथ साथ ग्लैंड भी थे ये क्या कर रहे हैं सिर्फ सिंपल स्पायरल इन्वेजिनेशन सिंपली क्या कर रहे हैं सिर्फ टू इंक्रीज सरफेस एरिया और ये पाए कहां से जाते हैं देखिए स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ड्यूडनम ठीक है बिग साइज ये फोर्स जो इन्वेजिनेशन हैं बड़े हो जाते हैं इन जेजनम और रिड्यूस होने लगते हैं ठीक है ये इनकी हो गई लोकेशन ये हो गया आपका स्टार्ट फ्रॉम लास्ट ड्यूडनम या ड्यूडनल एंड कर लीजिए और अच्छा लगेगा लास्ट एंड क्लियर हुआ सिंपल इमेजिनेशन है सिर्फ टू इंक्रीज सरफेस एरिया टू इंक्रीज सरफेस एरिया हो गया अब आप देखो आपको समझ में आना चाहिए जो हमने दो तरीके के फोल्ड्स पढ़े हैं उसमें से जो फोल्ड ऑफ कर्करिंग है ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं जहां पर बिलाईज है वो भी सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे कुछ बिलाई जो सिंपली बिलाई है और जहां पे फोल्ड ऑफ कर्करिंग नहीं बना वो माइक्रो बिलाईज बनाती है छोटे छोटे से इन्वेजिनेशन बनाती है इस तरीके से मान लीजिए ये, ये पीथिलियम है और इसके छोटे से इन्वेजिनेशन ऐसे करके उभर रहे हैं और इसमें तो ये हो गए माइक्रोविलाईज के फॉर्मेशन ये भी सरफेस एरिया ही बढ़ा रहे होंगे ठीक है तो जो माइक्रोविलाइज है उसके बारे में एक चीज आप समझ लीजिए माइक्रोविलाइज बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं इसीलिए ये क्या करते हैं लगभग थर्टी टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं थर्टी टाइम्स सरफेस एरिया यही दूसरी बात करें अगर बिलाई की तो ये लगभग टेन टाइम्स बढ़ाते हैं टेन टाइम्स सरफेस एरिया ठीक है और अगर हमने फोल्ड ऑफ करकरिंग के बारे में पढ़ा तो फोल्ड ऑफ करकरिंग क्योंकि बड़े साइज के इन्वेजिनेशंस हैं तो सिर्फ थ्री टाइम्स फोल्ड ऑफ करकरिंग ये थ्री टाइम बढ़ा रहे हैं

म्यूकोसल रीजन में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ब्रूनर्स ग्लैंड, ग्लैंड पाई जाती हैं। ये सब म्यूकोसल रीजन में ही है और ये भी सिक्रीशन जहां पे ग्लैंड यानी ये क्या करती है म्यूकोसा का सिक्रीशन करती हैं। और म्यूकोसा का सिक्रीशन मतलब म्यूकोसा निकाल रही है म्यूकोसल कर, सिक्रीशन करती हैं और ये भी लुब्रिकेशन का काम करते हैं ना तो आपने क्या पढ़ा ड्यूडनम पोर्शन के सब म्यूकोसा ये म्यूकोसा रीजन में नहीं पाई जा रही हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़े फोल्ड ऑफ करकरिंग और ये सारे इन्वेजिनेशंस ये किस में थे म्यूकोसा रीजन में थे और ये क्या करते हैं इनका जो सिक्रीशन है जो म्यूकोसा रिलीज कर रहे हैं ये पार्ट ऑफ सकस इंटेरिकस ये अभी हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो बहुत आप क्लियरली समझ पाएंगे इसको कि जो एंजाइम सीक्रिट हो रहे हैं अलग अलग पोर्शन में ड्यूडरम में अलग हो रहे हैं का जूस होता है सबको इन्हीं जूस में कुछ पोर्शन होते हैं जो कि क्या बनाता है सकासेंटेरिकस बनाता है जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कह सकते हैं आप सकासिनटेरिकस ठीक है ये हो गया ड्यूडरम के बारे में उसके बाद इसके हमें समझना है देखिए जो ड्यूड्रम पोर्शन है उसके अलावा आप ये समझिए आयरन जो है एफी या इसको फेरस भी कह सकते हैं वैसे तो फेरस मतलब हो गया एफ ई प्लस टू और फेरिक होता है एफ ई प्लस थ्री ठीक है लेकिन हम यहां पे फेरस वाली फॉर्म कह रहे हैं जो फेरस है ये क्या होता है एबजॉब्स इन द अपर पार्ट ऑफ जेजुनम अपर पार्ट ऑफ जजनम ड्यूडनम जजनम इलियम मतलब मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि क्वाइल्ड था और इसका मतलब था एम्पटी तो वहीं के उसी के अपर पार्ट में क्या होता है फेरस का डाइजेशन होता है दूसरी चीज और समझनी है जो इलियम है उसमें कुछ चीजें पाई जा रही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इलियम में एक होते हैं नोट्स पाए जाते हैं दूसरे इसमें क्या है पहले लिख के यहीं पर समझते हैं इन अभी डायग्राम से थोड़ा सा एक बार देखी वैसे इंटेस्टाइन में डायग्राम में ज्यादा क्लियर नहीं होगा आपको सारी चीजें जो लिखवा रहे हैं उसमें दिखती ही नहीं है डायग्राम में है ना तो थोड़ा सा थोरिटिकल लेकिन सारी चीजों के नाम याद हो गए आप समझते चले जाएंगे हम लोगों ने चार ही सेल पढ़ी थी गैस्ट्रिक मतलब पोर्सन में या स्टमक पोर्सन में चार ही यहाँ पे पढ़ी है तो आपको वो आपकी कहलाती थी गैस्ट्रिक ग्लैंड ये कहलाएंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन कौन रीजन ऑफ इलियम स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा एक दो बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो यही वाली लिखेगी ठीक है तो इन रीजन ऑफ इलियम मैनी लिम्फ नोड मैनी आर प्रेजेंट लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है इन ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये जब हमको टाइफाइड या टीबी टाइप का कोई इंफेक्शन हो जाता है तो ये लिम्फ नोड्स फेल हो जाती है इन्फ्लेमेशन आ जाता है इसमें तो ये जो होती हैं, एक तरीके से प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं। इनको लिख सकते हैं आप प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इन नेचर ठीक इसी में दूसरा पॉइंट लिख लू इनफ्लेम्ड इनफ्लेम्ड मतलब स्वेल हो जाना इनफ्लेम्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन लाइक टीबी टाइफाइड ये हो गया किसके बारे में लिम्फ नोड्स के बारे में अब इसके बाद ये समझ लीजिए ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट इन म्यूकोसा रीजन पहली बात तो म्यूकोसा रीजन म्यूकोसा रीजन ऑफ इलियम हिलियम ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैनी लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट और इनका नाम क्या होता है मतलब ये काम क्या कर रही थी प्रोटेक्टिव है नेचर में प्रोटेक्ट हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन से बचाती हैं और अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो इन्फ्लेम्ड हो जाती है ये साइन हो जाता है और इनका नाम क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, ये पोर्सन हम इरेज कर रहे हैं ये लिख लिया ना अपने प्रोटेक्टिव इन नेचर इनफ्लेम्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन ठीक है अब इसको एक चीज समझ लें पे इनका नाम है लिम्फ नोड्स का ये जो लिम्फ नोड है इन्हीं के दो नाम है एक तो इनको क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल या एब्डोमिनल टॉन्सिल और दूसरा इनका नाम है पेयर्स पेचेस दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एक है पेयर्स पैचेस और दूसरा नाम है ऐसा ही कुछ हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्टोमक वाले पोर्शन में पुलिस में टॉन्सिल पुलिस मैन ऑफ एबडामेन पढ़ा था जब हम लोगों ने ओमिंटा पढ़े थे स्टमक वाले में ग्रेटर ओमिंटा और लेसर ओमिंटा पढ़ा था तो ग्रेटर ओमिंटा जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को हमारी कोलन वाले पोर्शन से कनेक्ट कर रहा था उसमें कुछ नोड टाइप के स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे। जिनको क्या कह थे पुलिस पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन और, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एब्डोमिनल टौंसिल तो थोड़े से मिलते-जुलते नाम हैं ठीक है ये हमारा क्या हो गया इलियम के जो इलियम वाला पार्ट है उसमें म्यूकोसा रीजन में कुछ नोड्स पाए जा रहे हैं दूसरा ये समझ लो इलियम रीजन में कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसको ये नोट कर लिया होगा आई होप अब एक और इसमें पॉइंट लिखें